हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाक हिंदू वर्सेस जाकिर नायक। पाक हिंदू, पहले मैं रुक पता इसलिए गई, मेरे को लगा पाक हिंदू, फिर मुझे याद है हमारे हिंदू भी तो होते हैं थोड़े बहुत जो बच्चे हैं। तो पाक हिंदू वर्सेस जाकिर नायक, पाकिस्तानी पब्लिक लाफिंग ऑन जाकिर नायक इन पाकिस्तान। देखे हुआ क्या है, एक से एक बढ़कर खबरें आ रही हैं। ये जाकिर नायक जाके पता नहीं अपनी कौन सी बुद्धि का उल्टा क्या होता है, कुबुद्धि होता होगा ना, कुबुद्धि यूज करके पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कि सुन के ऐसे लगता है कि ये आदमी है क्या है ये, कि इस ऐसी सोच किसी के अंदर घुसती कैसे है, ये सोच कहां से आई इसके पास। इंडिया में रह के, अगर पाकिस्तान में रह के आई होती तो भी मेरे को लगता कि ठीक है, हो सकता है यहां पे ऐसे ही कुछ बड़ा, पर अपने इंडिया में रह के उसकी ऐसी सोच, बाई गॉड। तो चलो देखते हैं कि ये पाकिस्तानी हिंदू और जाकिर नायक के बीच में हुआ क्या। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप मानते हैं कि बुद्ध परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवद गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए मैं भगवद गीता को फॉलो करता हूं। इंडिया ने इसलिए बैन किया ना उनको, इसीलिए बैन किया है कि ये पाकिस्तान क्यों गया है। इनको 2016 में वो निकल गए थे पाकिस्तान, तो वो अब आया ना। डेमिगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमिगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। आप अगर डेमिगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप आल्सो। यस, मैं डेमिगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्णा। मैं आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी हम बहस नहीं कर रहे, बराबर? जिनको समझ बूझ है, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको पता है कि अब दुनिया में क्या सही है और क्या गलत है, और हमारी सोसाइटी में क्या गलत है और क्या सही है, और उनमें बोलने की जरूरत होगी ना, तो 10 लड़के लड़कियां, 10 लोग भी अगर खड़े होकर जाकिर नायक से ऐसे सवाल कर लेंगे ना, तो फिर जो ऐसे लोग है ना प्रीचर, वो भागेंगे सब कुछ छोड़ के। वो दुबई चले गए थे ना, मलेशिया चले गए थे, वहाँ से इधर आए हैं। पाकिस्तान ने उनको नहीं पता उसे सब कुछ किया है, प्यार किया है पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी अवाम ने प्यार किया उनके साथ। आपने वो जो और करो प्यार, ये बात किया ना कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करते तो मेरे भक्त है, वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। जाकिर नायक साहब तो उसके ऊपर ऐसे उछले हैं और इतना नाराज हो, उन्होंने कहा कि ये कहा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर सवाल पूछूंगी, पाकिस्तान के अंदर उनके मानने वाले बहुत ज्यादा हैं, उनकी इस हरकत के बाद हमारी अवाम पर क्या असर पड़ेगा? हमारी अवाम भी यही कहेगी ना, चलो एक दो सिफारिशें लगवा लेती हैं, अपना जो है वो पैसे माफ करवा ले। देख कि किसी इस्लामिक सोसाइटी में पेडोफाइल हो, उनका मुमकिन ही नहीं है कि इस्लामिक सोसाइटी में कोई बच्चों से ज्यादती करे। आप अपना सवाल वापस लें, यहाँ तक वो एंग्री हुए उस। जो बोला सही है कहने, देखो ना जी एकदम परफेक्ट है। क्यों तो क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं नहीं सर, कैसे ताली मचा रहे हैं, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9, मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ। है ही नहीं दिमाग तेरे पास, तूने वही रट्टा मारा है बेटा। ये लर्न ओनली वन थिंग, चैप्टर नंबर 9। अरे भाई ये देखो पागल लोग, मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ। ओके, मैं स्वामी प्रभुपादा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना। तमीज से बात करो। हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, दिमाग से कोट कर रहा हूँ। यू आर बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूं, चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बिकॉज़ ही वांट्स अ कोट नंबर चैप्टर 9। आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करते,
यांति देवव्रता देवान पितृ यांति पितृ व्रता पुत्र यांति पुतेजा यांति मत यज्ञो भी माम तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए इसलिए ना हम भूतो ना प्रेतो ना क्या बोलते है कि जो पितृ है जो मेरे एंसेस्टर है उनकी पूजा ना करते हुए ना डेमी गॉड्स की भी पूजा ना करते हुए बुद्ध परस्ती गलत है मानते हैं। नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12 जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा भगवत गीता में लिखा बुद्ध परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके आपके स्वामी प्रभु बुलाने गए डेमिगॉड्स की पूजा करना। डेमिगॉड्स की आई एम नॉट फॉलोइंग पागल आदमी ये फॉलोइंग गॉड नॉट डेमिगॉड को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म करेक्ट पॉलीथियज्म नहीं सबको मैं भगवान नहीं मानता सिर्फ एक को मानता हूँ। आप अगर डेमिगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे उसमें लिखा है आइडल वर्शिप आल्सो। यस मैं कितने बता दैट्स व्हाट इज रोल यू आइडल की वर्शिप करते हैं या नहीं। आइडल के मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्ण। मैं आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी हम बहस नहीं करें बराबर, ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर सॉरी। आप अगर बीच में सॉरी बोलने की जरूरत नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। आप ये मानते हैं कि डेमी गॉड की पूजा करना आप करते कर रहा हूँ मैं डेमी गॉड की पूजा नहीं करता। करेक्ट बड़ा स्टूपिड आदमी। भाई साहब मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, आप मुझसे रिपीट करना चाहते हैं? हाँ करना चाहते हैं, जवाब दे, हिम्मत है। ये रूल को तोड़ना अच्छी बात है, आप हमारे रूल को तोड़े कर तुम्हारा रूल हुआ यू सर। अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं तोड़े क्या नहीं। और मैं तो माशाल्लाह सबर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता वही भाई मुसलमान होता था ना मैं बोलता था हट जा भाई। अच्छा क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सबर कर रहा हूँ बड़ा सबर कर रहा हूँ लेकिन इज्जत जवाब तो है नहीं कि आप सब लोग का टाइम हजारों लोग है इधर बराबर ना। यू हैव नो आंसर। मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। अगर भगवत गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है पिता से तरह उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 नातस्य प्रथमास्ति, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 नातस्य प्रथमास्ति, प्रतिमा मीन्स अक्ष ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ पेंटिंग आइडल स्टैच्यू। नातस्य प्रतिमास्ति वो खुदा वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई पेंटिंग नहीं कोई पिक्चर totally नहीं कोई आइडल नहीं कोई स्कल्पचर नहीं। ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करता है। वेदा अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन तो बेटे तेरे में निकालेंगे तो मर जाएगा। इतनी हिम्मत इसकी हो रही है हम बोल के दिखाएं तो देखो क्या निकल धज्जियां निकलेंगी इसकी। मैं भगवत गीता फॉलो करता हूं। करो ना आपको जिसको फॉलो करने के करो। ओके मैं तो आपको बोल सकता हूं ना क्या मैं जानता हूं इल्म के बारे में। यू हैव नथिंग नो यू डोंट नो एनीथिंग। आपको फॉलो करने का यू आर नॉट इवन अ गुड ह्यूमन। स्वामी प्रभुपाद को पूछने का मैं थोड़ी रोक सकता हूं मैं खाली कह सकता हूं। नहीं तू कह भी नहीं सकता आपको फॉलो अपने रिलीजन का क्या मत करने का मत करो। हाउ डे यू टॉक अबाउट आवर रिलीजन एनीथिंग बैड। दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर सकता हूँ माने तो अच्छी बात। ओ, तुम्हारे कन्वर्जन कैसे होते जबरदस्ती हुए थे क्या बोल रहा है बराबर ना। थैंक यू आप जाके फिर से देखी करो बराबर ना। आपके मेरा क्राइटेरिया क्या है कोई मुझसे डिबेट करने चाहता है तो मेरे टक्कर का लेके आओ। लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहा है ताकि ओह माय गॉड सही क्या नहीं मेरी बात आपको मैंने सुना है। अभी फिर से बात कर रहे हैं आप फिर से बात कर रहे स्टूपिड गाय। ये आदमी तो सच्ची में बहुत ही घटिया आदमी है यार। इसमें तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना आता ही नहीं। ये तो अपने आप को सोचता है मैं पता नहीं कौन 30 मार खान की औलाद हूँ। हाँ जवाब देने डिबेट करने को रेडी नहीं था और उसको फिर जब वो बात करके पूछ रहा है क्वेश्चन तो इससे आंसर नहीं दिया जा रहा। फिर कहते हैं डिबेट थोड़ी को करनी है डिबेट थोड़ी को करनी है। फिर दूसरी तरफ एंड में बोलता है कि मेरे टक्कर का कोई लाए तो मैं डिबेट करूं बच्चे से का क्या डिबेट करूंगा।
और क्या बच्चे क्या से भी नहीं कर पा रहा। वही तो, और तू नहीं, इनकी हिम्मत कैसे होती है कि तुम दूसरे की रिलीजन के ऊपर जो है बकवास करो। तुम्हारे रिलीजन के ऊपर कोई बकवास करे तो तुम लोग क्या करते हो वो सबको पता है। हाउ डेयर यू, और तुम्हारी सोच क्या है, तुम रिलीजन की बकवास कर रहे हो। हमने तो तुम्हारी वीडियोस देख के देख लिया कि तुम्हारे को तो लेडीज की इज्जत तक नहीं करना आता। तुम क्या बात कर रहे हो रिलीजन की यार, क्या बात कर रहे हैं, बेशर्मों की तरह बात करें, भगवान की मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। तुम लोग बुक्स नहीं पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो मटीरियलिस्टिक थिंग जिसको तुम करते हो। क्या बेकार की बातें करके बंदा, वो बेचारा जो था भैया पाकिस्तान में, क्या खुल के बोले एक हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू, वो घबराया हुआ था, उसने हाथ जोड़े कहा भाई क्या करूं, हिम्मत करके आया था, कोई पता नहीं प्रोपोगंडा करने के लिए उसको खड़ा किया और दिखाने के लिए कि ज्यादा इसको बोलने नहीं दूंगा, दिखाऊंगा मैं बड़ा चौधरी हूँ, वो हिंदू रिलीजन कुछ नहीं है, को क्या इनका प्रोपोगंडा था। और देखे थे पाकिस्तानी पागल बड़े क्लैपिंग करे उस पागल की बातें सुनकर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो किसी रिलीजन को डिग्रेड कर रहा है और तुम तालियां मार रहे हो उसको, जबकि उसके पास कोई फैक्ट्स नहीं, कोई ढंग से वो बात नहीं कर रहा। कैसे वो लोगों का दिमाग खराब करता है वो दिख रहा है कि तुम्हारे रिलीजन में यहाँ पे तो कुछ बोला है, वहां उस किताब ने तो कुछ बोला, तुम्हारे रिलीजन में तो कंट्रोवर्सी है जी, उसी में दिमाग लगा। हाँ बस बस तू यही काम कर, में तो दिमाग नहीं लगाया। वो तो दिख ही रहा है कि ये क्या भगवान को समझेगा, जो इंसान को ही नहीं समझ सका, एक लेडीज की इज्जत करना ही नहीं सीखा उसने, वो क्या करेगा। ऐसे आदमी को सुनोगे तो भाई उसी की तरह बनेंगे ये लोग, बहुत ही घटिया, बहुत ही घटिया। चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।